हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ बनाना केक। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे दो बनाना। तो आपने इसको अच्छे से पील करके इसके पीसेस इसमें ऐड करने हैं। यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है, इसमें हम ये दोनों बनानास को डालेंगे। इस तरीके से अपने बड़े बड़े पीसेस करके इसमें डालना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3/4 कप ऑफ शुगर। यहाँ पे मैंने नॉर्मल शुगर लिया है। 1/4 कप मिल्क और 1/2 कप एडिबल ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हो जो भी आप यूज़ करते हो। एडिबल ऑयल हमने 1/2 कप ऐड किया है। अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अभी हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। इसे अच्छे से ब्लेंड करके इस बाउल में निकाल लिया है। अभी इसमें हम डालेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। उसके बाद हम डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून दालचीनी पाउडर यानी कि सिनेमन पाउडर। ठीक है, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें आप, अगर आपको ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे टूटी फ्रूटी ऐड करने वाली हूँ। इस तरीके से मैंने टूटी फ्रूटी ऐड की है। ये होममेड टूटी फ्रूटी है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी। ये मैंने घर पर ही बनाई है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे लगते हैं और टूटी फ्रूटी भी अच्छी लगती है इस केक में, तो आप कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने केक मोल्ड लिया है और इसमें मैंने ऑयल डाला है और इसमें इसको मैं अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। अगर आपके पास बट्टर पेपर अवेलेबल हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, और नहीं हो तो मेरी तरह आप बस ऐसे ही इसे अच्छे से ग्रीस भी करके यूज़ कर सकते हो। कर लिया है। अभी मैं ये जो हमने डव रेडी किया था इसे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसे पूरा अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अभी अगर आपको इसके ऊपर से डेकोरेशन करना हो तो आप और भी टूटी फ्रूटी या ड्राई फ्रूट्स ऐड करके इसे गार्निश कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने गार्निशिंग के लिए ऊपर से टूटी फ्रूटीज ऐड कर दी है। तो चलिए अब देखते हैं आगे का प्रोसेस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो प्लीज़ हेल्प मी ग्रो। सब्सक्राइब माय चैनल एंड अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लिया है एक कंटेनर जिसको लिड है और उसके अंदर मैंने रखा है एक स्टैंड, और इसको आपने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेना है। लिड लगाकर ही आपने प्री हीट करना है। जैसे इसके 10 मिनट्स प्री हीट हो जाते हैं तो हम अपना केक का मोल्ड इसके अंदर रख देंगे और फिर से लीड लगा के 30-35 मिनट्स हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक बेक होने देंगे। और उसके बाद आपने 30 मिनट्स के बाद इसे चेक करना है। बीच बीच में आपने ये लीड ओपन करके नहीं चेक करना है, डायरेक्टली आप 30 मिनट्स के बाद चेक करिए। तो हम इसे 30-35 मिनट्स अच्छे से बेक होने देंगे। यहाँ पे 35 मिनट्स हो गए हैं। अभी मैं लेड निकाल के, आप देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है। बिल्कुल सेंटर में आपने नाइफ डालना है। नाइफ को भी आप हल्का सा ग्रीस कर ले।
आप देख सकते हो कुछ भी इस पे चिपका नहीं है, इसका मतलब है कि ये केक रेडी हो गया है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और गैस ऑफ कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसे स्टैंड पे रखा है निकाल के, और 5 से 10 मिनट तक मैंने इसे ठंडा होने दिया है। और उसके बाद आपने इसके एजेस है उसको लूज करना है इस तरीके से। और अब हम इसे कोई भी प्लेट में निकालेंगे, तो चलिए प्लेट में इसे निकालते हैं। इस तरीके से आपने इस पे रख के इस पे हल्का हल्का प्रेशर लगाना है और ये निकल जाता है। आप देख सकते हो एकदम अच्छे से नीचे से भी बेक हो गया है। इसे हम सीधा कर लेंगे बिल्कुल धीरे से। ये केक हो गया है रेडी। अभी मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। कट करने में भी बिल्कुल सॉफ्ट लग रहा है। बनाना और दालचीनी की बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, एक अच्छा स्मेल आ रहा है। और ये देख सकते हो आप बिल्कुल अच्छा एकदम सॉफ्ट सा हो गया है। और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा यमी हो गया है। तो आप भी बनाइए ऐसा बनाना केक और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो। एंड मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ़।